हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। साहसिक खेलों का आनंद लेने वालों के लिए इसका इंतजाम अब पौंग झील में कर दिया गया है। आने वाले दिनों में पौंग झील में जेट स्की, वाटर सर्फिंग, ई फॉयल, जेट वोटर जैसे साहसिक खेलें आपको रोमांचित कर देंगी। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की संभावना को देखते हुए पश्चिमोत्तर हिमालय पर्वतारोहण समिति मनाली ने हाल ही में जापान से नए खेल उपकरणों की खरीद की है। इन नए खेलों से हिमाचल में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ लगते राज्यों के लोग भी यहां आएंगे। इससे स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार भी मिलेगा। जापान की कंपनी ने आयात की गई 3 जेट स्की, 4 ई फॉयल व एक नवीनतम मॉडल की मोटर बोट पौंग बांध में जल क्रीड़ाओं के ट्रायल में सफल रही है। पौंग बांध जल क्रीड़ा केंद्र की टीम पूरी कुशलता से निपुण होकर पर्यटकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार है। सरकार द्वारा नई राय नई मंजिल के अंतर्गत जो वो नए डेस्टिनेशन प्रमोट किए जाएंगे, जिसमें तत्तापानी, लारजी और पौंग डैम जो है वो इसको डेवलप किया जाएगा। यहाँ पर टूरिस्ट के लिए, खासकर जो पर्यटक यहाँ लेक में आते हैं उनके लिए आज तक कोई यहाँ बोटिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तो उसको जो है वो शीघ्र यहाँ पर शुरू किया जा रहा है। उसके लिए विभाग द्वारा जो है वो इक्विपमेंट जो था इससे संबंधित वो खरीद लिया गया है, जिसमें 3 मोटर बोट, 12 ई फॉयल जो है वो अभी नॉर्थ इंडिया में फर्स्ट टाइम जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, और जेटोवेटर ये एक ऐसी टूरिस्ट के लिए एक एक्टिविटी है जो कि लोग जो है वो इसको करने के लिए गोवा या विदेश में जाते थे, परंतु अब ये हिमाचल में जो है वो ये सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है, और शीघ्र ही जो है वो ये पर्यटकों के लिए ये सभी एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी, जिसके लिए विभाग जो है वो उसने सारा इक्विपमेंट परचेज किया हुआ है, और जैसे ही सरकार से दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं, और ये क्योंकि कोरोना की वजह से ये सारी एक्टिविटीज़ बंद पड़ी है, जो ही सरकार से परमिशन मिलेगी इसको खोलने की तो इसको पर्यटकों के लिए जो ओपन कर दिया गया। तो इसके क्या प्राइस रेट भी तय कर दिए गए हैं? हाँ, इसके विभाग द्वारा जो है वो अभी प्राइस रेट तय नहीं किए गए हैं, पर जैसे ही सरकार के दिशा निर्देश पर इसको खोलने के लिए दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं, इसके रेट जो है वो डायरेक्टरेट माउंटेनियरिंग द्वारा अप्रूव्ड कर दिए जाएंगे, जो कि बड़े नॉर्मल जैसे होंगे। इन खेल गतिविधियों के व्यावसायिक व सुरक्षित संचालन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान मनाली ने पौंग बांध क्षेत्रीय जल खेल संस्थान के 10 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया है। जल क्रीड़ा गतिविधियों के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से विभाग की रेस्क्यू टीमें इस दौरान विशेष रूप से उपलब्ध रहेंगी। कुल मिलाकर इस पहल से आने वाले दिनों में पौंग बांध में पर्यटन में बढ़ोतरी के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों के लोगों को भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। फतेहपुर से रविंदर चौधरी की रिपोर्ट। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।